वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान और अगले दो दिन तक आप अपने मुंह को बिल्कुल बंद रखना। यह बात किसी को भी भनक नहीं लगने देना। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, कमरा बिल्कुल खाली हो, बंद कमरे में वीडियो देखना। शरीर का एक एक पुर्जा ढीला होने वाला है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, आज की यह पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। अगले दो दिन तक एक के बाद एक खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, हम आप सभी को बता दें, ये होगा तभी जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, वीडियो के अंत में हम एक खास और जबरदस्त उपाय बताए हैं, जो कि ये उपाय मात्र करने से ही आपका भाग्य उदय होने लगेगा। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, अगले दो दिन तक ग्रह गोचर काफी प्रभावशील रहेंगे, तो इसका असर आने वाले अगले दो दिन तक आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, गृहस्थ जीवन जीने के लिए व सभी जाति एवं जातिकाओं के लिए कौन कौन से शुभ परिणाम लेकर आने वाले हैं या कौन कौन से अशुभ परिणाम, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी केवल आज की इस वीडियो में। अनुरोध है केवल आपसे इतना ही, आप हमेशा की तरह शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो के बीच बीच में कुछ गलतियां बताएंगे, कुछ सावधानियां बताएंगे और अंत में उपाय है। जो भी व्यक्ति यह उपाय अगले दो दिनों के भीतर कर लेगा, उनके जीवन के तमाम परेशानियां खत्म हो जाएगी। सबसे पहले संकट मोचन हनुमान जी के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान लिखेगा, उन्हें श्री राम जी के साथ साथ भगवान हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़े सुंदर अनमोल ज्ञान से। जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते, जिससे गंदगी अपने आप शांत होकर बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानियां आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। जिंदगी के जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान हमारे लिए एक रास्ता खोल देते हैं और वही रास्ता हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। बात अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए दोस्तों, बात करते हैं आने वाले अगले दो दिनों के राशिफल। दोस्तों, अभी आपको हर एक बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। भविष्य से संबंधित योजनाएं बनाते समय सभी बातों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। जब तक आप दूरदृष्टि रखकर विचार नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट रूप से जान पाना संभव होगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपकी मानसिक तनाव बढ़ने की संभावना, लोगों के विचारों के बारे में अधिक सोचने की वजह से आप खुद की तकलीफ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमारी आपसे बस यही सलाह रहेगी कि आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच विचार ना ही करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो दोस्तों आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इससे आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। आपको बस अपने कामों में अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन में संतुलित बनाते समय जो है कर्तव्य और खुद की अपेक्षाओं की ठीक से समझने की कोशिश आवश्यकता रहेगी। देखिए दोस्तों, काम से संबंधित लिए गए निर्णय का सफर व्यक्तिगत जीवन पर किस हद तक हो रहा है, इस बात को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में आपसी मनमुटाव दूर होंगे तथा सुखद वातावरण बनेगा तथा बच्चों का आत्मबल और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और इन सभी गतिविधियों को में आपकी विशेष भूमिका रहेगी।
किसी अनुभवी व्यक्ति का शनेह आशीर्वाद मिलेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय अन्य गतिविधियों में व्यस्तता रहने की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों में व्यवधान आ सकती हैं और काफ़ी भावनाओं और उदारता को नज़र दो फायदा उठा सकती हैं। इस समय आर्थिक स्थिति पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय घर में नवीकरण संबंधित कार्यों में व्यस्तता रहेगी। किसी समस्या का समाधान मिलने से आपकी चिंता दूर होगी और आप काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव से भी राहत पाएंगे और अपने अंदर जो है बेहतर आत्मविश्वास और आत्मबल महसूस करेंगे। जो सितारों की चाल है वो आपको कई प्रकार से जो है सावधान रहने के लिए संकेत कर रहे हैं। किसी नज़दीकी संबंध के साथ भी महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप होगा, बेहतरीन जानकारियां मिलेगी। दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें, अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह गोचर हमें यह संकेत दे रहे हैं, जितना सावधान रहिएगा अभी उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। पड़ोसी के साथ किसी छोटी मोटी बात को लेकर झगड़ा और कहासुनी होने की आशंकाएं लग रही है। राजनीतिक कार्यों में थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, थोड़ी सी गलत विधियां आपको जो है फंसा सकती है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके अंदर इस समय उमंग की भावना रहेगी और इस समय ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपनी बनाई हुई योजनाओं को आप क्रियान्वित करेंगे और सकारात्मक परिणाम भी हासिल करेंगे। नज़दीकी संबंधी से मुलाकात का अवसर मिलेगा और राजनीतिक संपर्क में आपको फायदा हो सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो कोई भी फैसला लेते समय दूसरों पर निर्भर ना रहें, खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान निकालें। कोई कोर्ट के संबंधित मामला चल रहा है तो बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। नौकरी पेशा लोग पेपर वर्क करते समय लापरवाही ना करें, अन्यथा दिक्कत आपके लिए बढ़ सकती है। व्यवसाय में सहयोगियों और कर्मचारियों की मदद से कोई सलाह से रुकी हुई गतिविधियां दोबारा शुरू करने में सफलता मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित कार्यों में फायदा होगा। सरकारी सेवारत व्यक्ति अपने काम के किसी प्रति लापरवाही अभी आपको नहीं बरतना है, जरा ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय घर परिवार में सुखद और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। अपने लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, खास उपाय की बात करें तो किसी भी शुभ मुहूर्त पर उठकर सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम के कपड़ा लें और उसमें अखंडित 21 चावल के दाने बांध लें। इसमें बांधे माँ लक्ष्मी की पूजा करें और उसमें कपड़े में बांधे चावल भी वहाँ पर रखनी है। पूजा के बाद माँ लक्ष्मी की अपनी मनोकामना मांगें और चावल की पोटली को अपने पर्स या फिर जहाँ पर आप धन रखते हैं किसी तिजोरी में या फिर कहीं ऐसे स्थान में रख दें। ऐसा करने से दोस्तों माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होगी, आपके घर वास होगा। दोस्तों, जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी।